आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के मुबारकपुर में रसूलपुर में कबड्डी का उद्घाटन करते हुए हाजी मोहम्मद मुकदीर उर्फ पल्लू चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी वर्तमान विधायक अखिलेश यादव जिया उल्लाह और पूर्व महाप्रधान वीरेंद्र यादव पूर्व महाप्रधान ने फीता काटकर उद्घाटन किया गया और तमाम टीम मौजूद रही। फाइनल टूर्नामेंट में फर्स्ट प्राइज करमैनी, सेकेंडरी प्राइज करमैनी दोनों टीम जीत के बाद खुशियां मनाई। साथ ही साथ रेफरी संजीव सिंह, अवनीश राय, राजू यादव, एसआर मास्टर मोहम्मद बाबर का भरपूर योगदान रहा। कमेंटेटर अफरोज बादल साकिर नोमानी ने दर्शकों का हौसला अफजाई करते हुए पूरी रात अपनी आवाजों से लोगों को महीन करते हुए नजर आए। वहीं पर दर्शक कबड्डी का आनंद लेते हुए खुशियाँ का इजहार कर रहे थे। जीतने के बाद टीम कैप्टन अब्दुल्ला ने प्रदीप यादव से कहा कि आप कुछ टीम के बारे में बता दें। मीडिया से बातचीत करने के दौरान प्रदीप यादव ने खुशियां व्यक्त करते हुए कहा, यह खेल हमेशा भाईचारों की नज़र से खेलना चाहिए और खेल में हार जीत तो लगी रहती है, मगर जीतने के बाद हमें गर्व महसूस हो रहा है। वार्ड नंबर 3 से भावी प्रत्याशी सभासद गुड्डू, ऑर्गेनाइजर कमेटी हाफिज मोहम्मद दस, मोहम्मद आजम, मोहम्मद साहिद, डॉक्टर अबूजर आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए सरफुद्दीन आजमी की रिपोर्ट। जो है कबड्डी का मैच हो रहा है, आप उद्घाटन करने के लिए आए हैं, खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम इस मैच के इंतजामिया कमेटी के लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इन लोगों ने एक बेहतरीन मैच कराया है और हर साल लोग यह मैच कराते हैं और हमको भी आने का मौका मिलता है, तो हमारी तो यही ख्वाहिश रहती है कि किसी बहाने अपने लोगों के बीच में हम जाएं और सबसे हमारी सलाम बंदगी हो जाया करें। तो मैच के साथ ही हमको बुलाते हैं, इतने लोगों से एक साथ मिलवाते हैं तो अच्छा भी लगता है। दूसरी बात यह है कि नौजवानों को नौजवानी अपनी दिखानी चाहिए। इस खेल के मैदान में साथी पसीना बहा रहे हैं, तो हमारे भी नौजवान साथी देश के तमाम हलकों में जो नौजवान साथी अपने को तैयार कर रहे हैं खेल के लिए, खेलो इंडिया चल ही रहा है, जान ही रहे हैं, तो हमारे यहाँ के भी नौजवान पसीना बहा रहा है, अच्छा लगता है अपने नौजवानों के बीच में। नौजवानों से फिर मेरी यही दरखास्त है कि खेल प्रेम और सद्भाव के लिए किया जाता है, एकता के लिए स्थापित करने के लिए किया जाता है, तो खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए, इसको हार और जीत में नहीं देखना चाहिए। जीतने वाले साथी को ये समझना चाहिए कि थोड़ी मेहनत हमारी और ज़्यादा होती और अच्छे अंकों से हम जीतते, हारने वाले को ये समझना चाहिए कि थोड़ी हमारी कमजोरी रह गई, अगली बार इससे बेहतर हम तैयारी करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। तो खेल को खेल भावना से लीजिए, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे साथ में देखिए तमाम वीरेंद्र यादव जी हैं, जयउल्ला अंसारी साहब हैं और हमारे सुहेल भाई हैं, सदेश यादव जी हैं, सुविधा यादव जी हैं, संतोष जी हैं, तमाम लोग यहाँ आए हैं नौजवानों का हौसला अफजाई करने के, बस सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुबारकपुर रसूलपुर में। रसूलपुर में जैसा कि कबड्डी का टूर्नामेंट हो रहा था, टूर्नामेंट में जो है दोनों टीमें जो है करमैनी जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों करमैनी आई है, लेकिन सबसे पहले हम जो है फर्स्ट विजेता से जो है बात करते हैं, उनके कैप्टन से प्रदीप यादव से सीधा हम बात करते हैं और बताते हैं जीत का किस तरीके से उन्होंने पॉइंट लिया और दूसरी टीमों को जो है धाराशाही किया, आइए हम बात करते हैं। जैसा कि अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रदीप यादव, मैं मोहम्मदाबाद ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग 2-3 बार टूर्नामेंट खेल चुके हैं, लेकिन आज व्यवस्था और बारिश की वजह से नहीं, यहाँ की कमेटी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया था, ग्राउंड अराउंड बहुत अच्छी मेहनत की थी और टूर्नामेंट भी बहुत बढ़िया हुआ, तो मैं यहाँ के कमेटी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। देखा जाए तो यहाँ पे दोनों टीम करमैनी फर्स्ट विजेता और सेकंड विनर दोनों जो है करमैनी है, लेकिन जो सेकंड आई है वो कहीं बाहर की टीम है जो करमैनी के नाम से खेली है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई टीम तो हमारी भी अच्छी थी और उनकी भी अच्छी टीम थी, और क्योंकि लीग मैच में हम लोग मैच हार गए थे, लेकिन उसमें हम लोग की टीम का तालमेल नहीं बन पाया था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग टूर्नामेंट खेलते गए अपना डिफेंस सेट होता गया और लास्ट तक यहाँ तक हुआ कि हम लोग यहाँ पे फाइनल विजेता हो गए। भाई ये फर्स्ट विजेता विनर के जो थे और सेकंड विजेता विनर के जो है हम बात करते हैं, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वो हरियाणा से चलकर यहाँ आज मुबारकपुर आजमगढ़ जो है आए हैं।
यूपी से हैं जो मुजफ्फरनगर से रहने वाले हैं और करमैनी की जानिब से वो खेल रहे हैं। हम बात करते हैं उनसे। सर, आज आप यहाँ टूर्नामेंट खेले हैं, टूर्नामेंट खेलने के बाद आपको जो है किस तरीके से आपने जो है अपनी हार स्वीकार किया, इसकी क्या रीजन रही है, क्या कारण रहा? आज पूरी रात खेल लें, 4-5 मैच खेल लें, चार पाँच मैच। जैसा कि लीग मैच होता है, 16 टीम का मैच है, लीग टीम है, अक्सर जो है लीग मैच में जो है हारता है, जीतता है, हारता है, जीतता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका डिफेंस या आपका जो रिजल्ट नहीं चल सका, क्या कारण रहा कि जो आप जो है थके हुए थे रात के, पूरी रात के थके हुए? ठीक है, ये थे हमारे साथ, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत के साथ संवाददाता सरफुद्दीन आजमी, कैमरामैन राजेश के साथ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।